Hello students, how are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. I'm Sakshi, your reasoning teacher. So, we are doing chapter 1, patterns of your reasoning book. I hope कि आपने इस chapter के questions को solve किया होगा. So students, आपने क्या करना है? आपको इस इन questions में क्या दी होगी? Series दी होगी. ठीक है? आपको देखना है कि उन series में क्या pattern follow हो रहा है? जिसकी हेल्प से आप मिसिंग नंबर को, मिसिंग अल्फाबेट को या मिसिंग फिगर को फाइंड आउट कर सकते हैं. स्टूडेंट, दिस इज योर रीजनिंग बुक. ओके, एंड वी आर डूइंग चैप्टर 1 पैटर्न्स. ओके, सो मैं इस लेसन में से आपको कुछ सीरीज को, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ. आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को सारे को सॉल्व करना है. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज 3, 6, 11 18, 27, 51 and this. So आपको क्या find out करना है students? कि यहाँ पर क्या आएगा और इस series में यहाँ पे कौन सा number आएगा. Okay? So यहाँ है 3, यहाँ है 6. So series चल रही है ascending order में. Number क्या हो रहे हैं? Increase हो रहे हैं जैसे जैसे series आगे जा रही है. So यहाँ है 3, यहाँ है 6, यहाँ है 11. So यहाँ से कितना plus हुआ? Plus 3. Okay? और 6 और 11 में कितना आया? 6 में कितना plus के 11 आया? 5. फिर कितना plus किया है? 7. फिर कितना प्लस किया है स्टूडेंट्स? 9. ओके, सो यहाँ पे क्या चल रही है? ओड नंबर सीरीज चल रही है. जितना हम प्लस कर रहे हैं, पहले 3 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, फिर 7 प्लस किया, फिर 9 प्लस किया. 9 के बाद ओड नंबर कौन सा होगा? 11. सो हम 27 में क्या प्लस करेंगे? 11. ओके, 27 में अब क्या प्लस होगा स्टूडेंट्स? 11 प्लस होगा. ओके, सो द आंसर विल बी 38. सो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 38. ओके, सो 38 के बाद स्टूडेंट इसमें क्या प्लस हुआ है कि 51 आ गया? 13 ही प्लस होगा, क्योंकि ऊपर क्या चल रहे? सारे ओड नंबर की सीरीज चल रही है, जितने उसमें एडिशन हो रहे हैं. ठीक है, सो बेटा अब यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए आप क्या प्लस करेंगे? 51 में 13 तक हम पहुंच चुके हैं, इसमें प्लस होगा 15. सो 51 प्लस 15 दैट विल बी 66. ओके, सो यहाँ पर आएगा 66. ओके, सो आपको यहाँ सीरीज गिवन होगी, आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने हैं. ओके, Here is the next question. Okay, यहाँ पे आपको सर्कल के अंदर 4 नंबर्स गिवन है, 21, 6, 8, 7. ओके, और सेकेंड सर्कल में भी आपको 4 नंबर्स गिवन है, 19, 7, 8, 4. थर्ड सर्कल में देखिए आपको 3 नंबर गिवन है, 4, 7, 6. और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, सो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर आएगा. यहाँ है 23, 8, 8, 7. ओके, सो आपको इस सर्कल में पैटर्न फाइंड आउट करना है कि ये नंबर्स कैसे आए हैं. ठीक है, आप में आपने इसमें क्या ढूंढना है? रिलेशनशिप ढूंढना है, पैटर्न ढूंढना है. जो सेम पैटर्न आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और ये मिसिंग नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ है 6, 7, 8, 21. ओके, सो बेटा जो ये 21 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? सी, 8 + 7 + 6 कितना हुआ? 8 + 7 = 15, 15 + 6 = 21. सो आपने ध्यान से देखना है और आपने फाइंड आउट करना है कि क्या पैटर्न लग रहा है. सो मैंने ध्यान से देखा और फाइंड आउट किया कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है 3 नंबर्स का,
ओके और जो उसका आंसर है वो यहाँ पर गिवन है। अब जैसे कि यहाँ पे फिर से हम करके देखते हैं, 8 + 4 + 7, 8 + 4 = 12, 12 + 7 = 19, ओके। सो अब हम यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है उसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं ना ये पैटर्न अप्लाई करके, लाइक 7 + 6 + 4, 7 + 6 = 13, 13 + 4 = 17, ओके। सो यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या आएगा, 17, ओके। हमारा क्वेश्चन हो गया है। हम यहाँ पे भी देखो यही पैटर्न लगा हुआ बेटा, 8 + 7 = 15, 15 + 8 = 23, ओके। सो आपको क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखना है और रिलेट करना है और आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है और पैटर्न फाइंड आउट करके आपको मिसिंग नंबर का पता करना है कि मिसिंग नंबर क्या है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये है रो 1, रो 2, रो 3, ओके। रो 1 में है 3 नंबर्स, 16, 6, 8। रो 2 में है 2 नंबर्स, दैट इज 2, 10। And here is the question mark. It means we have to find out the missing number. ये है row 3. Here is 12, 14, 4. So हमें क्या करना है, ये जो row है इसमें relationship find out करना है, pattern find out करना है कि इसमें क्या pattern follow हो रहा है, okay? इसमें भी हमें find out करना है, जो यहाँ pattern follow हो रहा होगा वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा, ओके। और फिर वही पैटर्न हमें यहाँ अप्लाई करना है और इस मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ 16, 6, 8। सो आप अगर सोचोगे कि 16 फिर आया 6 तो हमने -10 कर दिया, फिर +2 कर दिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो गया, -10 हो गया, तो ये कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, ओके। सो फिर उसके बाद आप यहाँ पे एडिशन करके देखो कि एडिशन के बाद यहाँ क्या बन रहा है, 60 + 6। देखो बेटा हम यहाँ पे अब एडिशन कर रहे हैं, 60 + 6 + 8, तो यहाँ पे बनेगा बेटा 16 + 6 = 22, 22 + 8 = 30, 16 + 6 + 8 = 30, ओके। यहाँ पे हम एडिशन करके देखते हैं क्या बनता है, 12 + 14 + 4 = 26 + 4, यहाँ पे कितना बन रहा है, 30, यहाँ कितना बन रहा है, 30, ओके। सो अब हमें ये पता चल गया जो भी इस रो में एलिमेंट है, ठीक है, उसका एडिशन क्या बन रहा है, 30, यहाँ पे भी 30 बन रहा है। सो जो ये सेकंड कॉलम है बेटा, ठीक है, इसका एडिशन कितना बनना चाहिए, इसका भी बनना चाहिए 30। तो हमारे पास यहाँ पे 2 है और 10 है और ये है मिसिंग नंबर, हमें देखना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर कौन सा होगा। तो 2 + 10 कितना हुआ, 12, ओके। और हमें कितना चाहिए, 30 चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना ऐड करें कि 30 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 30 - 12 कितना होगा, 18। तो यहाँ पे कितना आए कि सबका सम क्या हो जाए, 30, तो यहाँ पे आएगा 18, ओके। 2 + 10 = 12, 12 + 18 = 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1, 4, 9 मिसिंग नंबर, 25, 36, 49, ओके। सो ये है नंबर की सीरीज, इसमें कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है और आपको ढूंढना है मिसिंग नंबर को, ओके। सो यहाँ पे है 3 का गैप, 3 + हो रहा है, देन 5 + हो रहा है, इधर हो रहा है 11 + और इधर हो रहा है 13 + ओके। सो यहाँ पे हो रहा है +3 एडिशन,
देन फाइव, फिर हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हो रहा है 11 और यहाँ पे हो रहा है बेटा 13, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एडिशन होगा, 3, 5, 11, 13, तो यहाँ पे एडिशन होगा प्लस 7, ठीक है। सो अगर आप 9 + 7 करोगे, सो ओके, सो यहाँ पे आप करोगे 9 + 7 तो क्या आएगा 16, ओके। जैसे यहाँ पे सीरीज चल रही है और नंबर हम ऐड कर रहे हैं, पहले 3 को ऐड किया, 5 को ऐड किया।